नमस्कार शिक्षक साथियों, आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे 513.1 कार्यशाला आधारित गतिविधि में से किन्हीं दो विषय के लिए संकल्प मानचित्रण आपको बनाना है। तो आपका जो पहला विषय के लिए बन गया है, अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर लिंक उपलब्ध है, या फिर मैं आई कार्ड में उसका लिंक दे दिया हूँ, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं, या फिर आप 513 प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज हम चर्चा करेंगे दूसरे विषय के लिए, जी हाँ, विज्ञान विषय के लिए। पर्यावरण विषय के लिए हो गया है, आपको दो विषय में कॉन्सेप्ट मैपिंग बनाना है, ठीक है। तो यह जो है आपका 16 अंक का है, तो पहले विषय का बन गया है। अब आज हम दूसरा विषय विज्ञान के लिए चर्चा करेंगे। अपने साथियों को तक अवश्य शेयर कीजिए, जो है 513 में बहुत सारे जो फॉर्मेट है वो बदलाव किया गया है, तो जो बदलाव है वो आपके साथी तक भी जानकारी पहुँचे, इसलिए आप वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। 20U क्रिएशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को टच कीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। इस प्रकार से आपको फॉर्मेट बनाना है, आपके जो कार्य पुस्तिका में जो नाम होगा वो प्रशिक्षु शिक्षक का नाम, नामांकन संख्या यानी कि आपका जो एनरोलमेंट नंबर है वो रहेगा इसमें, प्रशिक्षु शिक्षक का नाम में आपका रहेगा, विद्यालय का नाम आप जहाँ वर्तमान में अभी पढ़ाते हैं उसी स्कूल का। याद रखें, यदि आपने जो स्कूल चेंज किए हैं, तो यदि आपने यूडाइस कोड चेंज करवाए हैं तो वर्तमान स्कूल का नाम आप दीजिए। फिर संकल्प मानचित्रण में क्रमांक एक, कक्षा 5वीं के लिए विषय विज्ञान, प्रकरण है जल। कोई भी आप जो विज्ञान विषय में आप कोई भी एक टॉपिक लीजिए और उस टॉपिक के आधार पर आपको जो है इस प्रकार से कॉन्सेप्ट मैपिंग आप बना सकते हैं, या आप अपने से भी बना सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर मैं उदाहरण के लिए आपको बता रहा हूँ, जैसे कि जल बना है अणुओं से, ठीक है, तो आप यहाँ पर जल लिखेंगे, फिर यहाँ पर अणु लिखिए, फिर जल बना है अणुओं से, यह जो सेंटेंस आपका पूरा होता है। फिर अणु बना है परमाणुओं से, फिर अणुओं के पास ऊष्मीय ऊर्जा होती है, फिर परमाणुओं के पास ऊष्मीय ऊर्जा होती है। फिर यहाँ पर देखिए, इधर इधर आपका जल पाए जाते हैं निम्न अवस्था में या फिर विभिन्न अवस्थाओं में, तो फिर उसमें प्रभाव से फिर अवस्थाओं को जो लिखेंगे, ठोस, द्रव, गैस, मुख्य तीन अवस्थाओं में पाए जाते हैं। तो अवस्थाओं से यहाँ पर देखिए, ये जो है आपका हो सकते हैं, इसमें आप लिखेंगे अवस्था ठोस के रूप में हो सकते हैं, जल जो है द्रव के रूप में हो सकते हैं, फिर जो है गैस अवस्था के रूप में हो सकते हैं। फिर यहाँ पर जैसे नीचे आप लिखेंगे, गैस के रूप में है आपका उदाहरण बर्फ, और द्रव के रूप में है आपका जो वर्षा, बारिश, ये रैन आप इसको लिख सकते हैं, फिर गैस के रूप में है वाष्प। तो इस प्रकार से आप एक प्रकरण लेना है, और एक प्रकरण के आधार पर आपको जो है आपके स्कूल के बच्चों के स्तर के आधार पर आपको ये तैयार करना है। तो इस प्रकार से आपका एक होता है क्रमांक एक संकल्प मानचित्रण, एक एक विषय के लिए आपको दो बनाना है। अगर क्योंकि आप देखिए एक ही बनाते हैं तो बहुत छोटा हो जाता है, क्योंकि एक जो है आपका अंक, आपको 8 अंक चाहिए, तो उस हिसाब से आपको यहाँ पर दूसरा भी आपको बना लेना चाहिए। तो यहाँ पर दूसरा देखिए, दूसरा में मैं आपको दिया हूँ यहाँ पर कक्षा 5वीं विषय विज्ञान, प्रकरण है प्रकृति का संतुलन। प्रकृति का संतुलन से संबंधित यहाँ पर देखिए, प्रकृति का संतुलन से चट्टाने, पत्तियाँ, पौधे, कीट, बादल, पक्षी, जंतु, पुष्प, वृक्ष, और वृक्ष को और अभी आगे बढ़ा सकते हैं, पुष्पों को भी आगे बढ़ा सकते हैं, पक्षी को भी, जंतु की भी, बादल को भी, कीट को भी, अगर आप और थोड़ा सा आपका जो आंसर है वो बड़ा लगे तो आप इनको बढ़ा लीजिए, और आपका प्रशिक्षु शिक्षक का हस्ताक्षर और आपका दिनांक, ठीक है, इसमें भी आपका प्रशिक्षु शिक्षक का हस्ताक्षर और दिनांक। तो इस प्रकार से आपका जो संकल्प मानचित्रण है वो 513.1 का जो दोनों कार्य वो कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको वीडियो नहीं मिल रहा है पहला वाला, तो आप कमेंट कीजिए, हम आपको लिंक उपलब्ध करा देंगे, और आपको जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर लिंक उपलब्ध है, वहाँ आप क्लिक करेंगे तो सीधा वेबसाइट में जाकर आप जो सारी चीज़ को जो है देख देख कर लिख सकते हैं। यहाँ आप वीडियो में आपको जो है समझना है कि किस प्रकार से तैयार करना है। फिर आपका जो है हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कला, शारीरिक एवं स्वास्थ्य शिक्षा और कार्य शिक्षा पर कार्य करना। ये तो आपको जो है ये अब 3 सेट में बनाना है, और जो है प्रत्येक में 8 अंक निर्धारित है, यानी कि टोटल 24 अंक के लिए है।
ध्यान रखिएगा यहाँ पर आपको कला, शारीरिक एवं स्वास्थ्य शिक्षा और कार्य शिक्षा पर कार्य करना, एक्टिंग ऑन आर्ट, फिजिकल एंड हेल्थ एंड वर्क एजुकेशन, इसमें आपको क्या तैयार करना है, कैसे तैयार करना है, उसके लिए यदि आपके इस वीडियो में लाइक और कमेंट अच्छा मिलता है तो हम इसके संबंध में भी वीडियो ज़रूर बनाएंगे। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। 5 नए साथियों तक अवश्य शेयर कीजिए ताकि ट्वेंटी क्रिएशन चैनल के बारे में पता चले और NIS DLIT संबंधित सटीक जानकारी मिले। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।